आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। राजेंद्र नगर पीएस हुदूद शिवरामपल्ली इलाके में ए टू जेड स्विमिंग पूल की लापरवाही से एक और नौजवान की हुई मौत। फैसल के आंटी ने मीडिया को बताया, गुलबर्गा का रहने वाला मोहम्मद फैसल जो काम की तलाश में चिंतलमेंट के पास उनके घर पर रहता था, आज दोपहर में ए टू जेड स्विमिंग पूल को तैरने के लिए गया। गहराई पता ना चलने पर पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तेलंगाना पुलिस से गुजारिश की ए टू जेड स्विमिंग पूल की मैनेजमेंट के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पता चलने पर एआईएमआईएम राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने मैत्री हॉस्पिटल पहुंचकर घर वालों को पुरसा दिया। मिर्जा रहमत बेग ने मीडिया को बताया, कुछ महीने पहले फरवरी 22 के दिन शेख खाजा नामी शख्स की भी मौत इसी स्विमिंग पूल में डूबने से हुई थी। ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की लापरवाही है और जीएचएमसी डिपार्टमेंट की लापरवाही है जो इस तरह नौजवान मर जा रहे हैं, कहा। शमशाबाद डीसीपी मिस्टर एन प्रकाश रेड्डी ने ए टू जेड स्विमिंग पूल का नुमाइना किया। राजेंद्र नगर स्टेशन हाउस ऑफिसर मिस्टर जी सुरेश ने मीडिया को तफसीलात बताया, आइए सुन। आज राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर शिवरामपल्ली में एक ए टू जेड स्विमिंग पूल के है वो स्विमिंग पूल में 11:30 बजे एक बच्चा 23 इयर्स का बच्चा है मोहम्मद फैसल बोल के डूब गए। तो वो थोड़ा साथ चल रहा था बोल के वहाँ पे आजू बाजू देख के उसको ले जाके मैत्री हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम लेके गया। मेहदीपट्टनम जाते वक्त उनका इंतकाल हो गया। तो ये ए टू जेड जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल इंचार्ज जो मुजम्मिल, इनके ऊपर इससे पहले भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था 3 महीने पहले। तो एक 17 साल बच्चा जब मर गए थे यही पूल में, तो जब बीच हम जीएचएमसी वाला को लेटर लिख के स्विमिंग पूल को सीज करने लगा है, बाद में ये लोग पूरा कंडीशंस वगैरह फुलफिल करता हूँ बोल के जीएचएमसी वाला को अंडरटेकिंग देने के बाद ये लोग रिलीज करके फिर 1-1.5 महीने से चला रहे। हमारे स्विमिंग पूल चलाए सो जो इंचार्ज है और जो मैनेजमेंट है उनका जिम्मेदारी है कि सब जो फैसिलिटीज और जो प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी के लिए जो टिप्स लेना है वहाँ पे ट्रेनर को लगाना है और ये जो तीरने नहीं आता है ये लोगों को ट्यूब्स वगैरह डाल के अंदर भेजना है, वो सब छोड़ के ऐसी लोगों को अंदर भेजे। और ये फैसल और फैसल के साथ और एक बच्चा भी थे, दोनों को तीरना नहीं आता, दोनों को अंदर चले गए। वो लोग 4 फीट की तरफ तीरने के लिए उतरे थे, उधर से आलू 6 फीट तक चले गया, वहाँ पे डूब गया। वहाँ पे जो बाजू में है वो लोग एक आदमी को बाहर निकाला, फिर दूसरे वाला को नहीं निकल पाए, तो इसी वजह से इंसिडेंट हुआ। अभी भी सेकंड इंसिडेंट हुआ है ये स्विमिंग पूल में। जीएचएमसी लोगों को अभी एक लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिख के ये जो पूल है पूल समर्थक अभी सीज करने के लिए वो बंद करा दिए स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल सीज करवा देंगे सर। ये तो दोपहर में श्रीदेवी कॉलोनी में स्विमिंग पूल है, जिसमें मोहम्मद फैसल नामी जो बच्चा है, आज वो बच्चे का वो स्विमिंग पूल में इंतकाल हो चुका है। जिला सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज भैर शरसुद्दीन मुंशी साहब को मिल रही है। मैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ मैत्री हॉस्पिटल को आया हूँ बच्चे की रिकॉर्डिंग अभी उस्मानिया में पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं मॉर्चरी को। आज से तकरीबन 2 माह पहले भी इसी तरीके से स्विमिंग पूल में ये हादसा हुआ था। उस टाइम में भी मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने साइबराबाद सीपी कंप्लेंट करे थे और राजेंद्र नगर पुलिस में कंप्लेंट करे थे कि ये जो स्विमिंग पूल के जिम्मेदारान लापरवाही से ये स्विमिंग पूल चला रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त केसेस लगा के सख्त से सख्त इन्हें सज़ा मिलना चाहिए। आज एरिया पीएस वालों से भी हम बात किए हैं, अभी एरिया पीएस के सी साहब भी मुझे बोले हैं कि रहमत साहब हम इसके ऊपर क्रिमिनल के साथ बुक करेंगे और इमीडिएटली नॉन वेल्यूबल बारान निकाल के इसको जेल को पहुँच देंगे। मंजिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन हमेशा राजेंद्र नगर में हर मसले में सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम यहाँ पर आए हैं और भी कल बच्चे का सुबह पोस्टमार्टम होगा। सदर मोहतरम की हिदायत है मैं भी मार्च से जाऊँगा कल सुबह
9:30 बजे पोस्टमार्टम करेंगे हम। कराए बाद फिर उनकी जो बच्चे की लाश है उनके घर वालों को दी जाएगी। लापरवाही से पहले जो हुआ था ना, इससे अभी पुलिस के CP साहब से भी बात हुई, उनसे बात कर रहे हैं और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो लोग के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी। स्विमिंग पूल वाला ये बोल रहा है कि जो तो स्विमिंग पूल में किराए पे दे दिए दूसरे को, उन्हें साफ झटक के हट जा रहा, कोई बोल रहा लिस्ट पे लिया भाग। अब उसके वास्ते पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, उतना जैसा कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस के साथ। जोर से बोलो तुम जो भी बोलो। बहुत अच्छा बच्चा था, कैसे देखा तो कोई बच्चा नहीं है, अल्लाह तुम बच्चे को सहे दे, स्विमिंग पूल वालों का हिसाब मिला दे अल्लाह। क्या नाम है बच्चे का? फैसल। क्या उम्र थी बच्चे की? 23 साल। उम्र 22-23 साल। आप क्या चाह रहे हैं अम्मा हुकूमत से? बोलो तुम बच्चे। बस इंसाफ मिले मेरे बच्चे को अल्लाह। और वो स्विमिंग पूल वालों के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? स्विमिंग पूल वालों को अच्छा रहता। बोलो अपना कुछ भी बोलो, कोई बोलो जबान से चलता नहीं भी बोलो। आज ये माँ के साथ हुआ था, किसी माँ के साथ भी था। बच्चों को तो नहीं रख सकते हैं। बच्चा 10 मिनट में चलो भाई, बहुत देर पी रहा है, देर भी बढ़ता कभी नहीं गए। 10 मिनट में फोन आया मेरा बच्चा दवा करने को लेके आया। तो फॉल्ट